हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपक सिंह चौहान फ्रॉम होली पॉइंट एकेडमी भरतना। एंड टुडे वी विल रीड द पोयम द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. So let me start. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. इस पोएम में पोएट ये बताना चाहता है कि वो एक जंगल में जा रहा है, येलो वुड, येलो मतलब पीला, पीला जंगल कभी देखा है? नहीं देखा होगा आप लोगों ने। पीला जंगल मतलब है ऑटम सीजन, पतझड़ का समय, जब सभी कुछ येलोइश नज़र आता है। तो टू रोड डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, यानी उस जंगल में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर उसको दो रास्ते डाइवर्ज होते दिखते हैं, जैसा कि हमारे लाइफ में होता है कि जब हम कोई भी फैसला करते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं और वो चूज हमको करने होते हैं। सपोज दैट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जब आप 11th में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास साइड्स होती हैं कि आपको आर्ट्स लेनी है या साइंस लेनी है, या फिर साइंस लेनी है तो साइंस में बायो लेनी है या मैथ लेनी है। आपके पास भी रास्ते होते हैं और आप भी मतलब उस चीज़ के लिए परेशान हो जाते हो कि किसको चूज़ करूं। तो इसी तरह पोएट भी यहाँ पर उन रास्तों के थ्रू जो है आपको ये बताना चाहता है कि वो उस जंगल में है जहाँ पर दो रास्ते डाइवर्ज्ड हो रहे हैं, टू रोड्स डाइवर्ज्ड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और वो सॉरी फील करता है कि वो एक साथ दोनों रास्तों पर फील नहीं कर सकता, एक साथ दोनों रास्तों पर ट्रेवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रेवलर होने के नाते वो वहां लंबे समय तक खड़ा रहता है एंड लुक डाउन वन, और रास्ते को, पहले रास्ते को वो देखता रहता है, एज फार, उतनी दूर तक, एज आई कुड, जितनी दूर तक वो देख सकता है। टू वेयर इट बैंड इन अंडरग्रोथ, जहाँ पर रास्ते मुड़ जाते हैं जाकर के, अंडरग्रोथ हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, मतलब वो झाड़ियाँ मुड़ती हुई वहाँ पर नज़र आती हैं, यानी लास्ट तक वो नज़र डालता है। जैसा कि हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं कि हम कोई भी रास्ता चुनने के लिए उसके बारे में बहुत देर तक सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके बाद उसको चूज़ करते हैं। देन टुक द अदर, इसके बाद क्या करते हैं, ये पोएट बता रहा है कि उस रास्ते पर जब वो होता है तो पहले रास्ते को बहुत दूर तक देखता है, लेकिन उसके बाद जब वो दूसरे रास्ते की तरफ देखता है, जस्ट एज फेयर, ये बहुत ही साफ सुथरा नज़र आ रहा है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वो इस पर अपना बेटर क्लेम कर सकता है, मतलब वो अधिकार बता सकता है कि हाँ उसको इसी को चुनना चाहिए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये हरा भरा है, ग्रासी है, वॉन्टेड वियर है। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हाउ वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, और अगर दोनों रास्तों को एक साथ देखा जाए तो यद्यपि दोनों ही रास्ते एक ही तरह से, मतलब दोनों रास्तों से बराबर लोग गुजरे होंगे, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों ही रास्तों पर एक साथ मॉर्निंग एक जैसी आती होगी। इन इवनिंग नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, और शाम को जो ट्रोडन ब्लैक मतलब पत्ते होते हैं जो काले पड़े हुए हैं उस पर ट्रोडन हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, सूख के गिरे होते हैं दोनों ही रास्तों पर। ओह आई लिखा है, और नो स्टेप मतलब उन, मतलब उस पर कोई कदम के निशान नहीं होते हैं। ऑन आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब यहाँ पर बताया गया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो पहला रास्ता जो है किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि अब वो इस रास्ते पर दोबारा नहीं आएंगे,
आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। वो इस चीज़ को जिस हाउ वे लीड ऑन टू वे आई डाउटेड, मतलब उनको संदेह कि वो इस रास्ते पर लौट कर नहीं आ पाएंगे क्योंकि जब वो दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। और यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं कि वो एक साय, मतलब एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं कि समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, और फिर कहीं पर जाकर के समय बदलेगा, युग बदलेंगे, एजेस एंड एजेस टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, और इसी तरह से सभी के साथ होगा कि दो रास्ते सभी को जंगल में मिलेंगे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, और मैंने क्योंकि लेस ट्रेवल्ड जो है पाथ को चूज किया है, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही जो सिलेक्शन है जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, जो मैंने पाथ को चूज किया है, रोड को चूज किया है, वही मेरी लाइफ को या मेरी लाइफ में हुए डिफरेंसेस को दूसरों से डिफरेंशिएट करेगा, बताएगा कि मैंने अच्छा किया या गलत किया। जैसे कि आप सपोज दैट एज ए स्टूडेंट 11th क्लास में जब एडमिशन लेते हैं तो आप मैथ लेते हैं या बायो लेते हैं। सपोज दैट आप मैथ ले लेते हैं और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि आपका ये डिसीजन सही था आपका मैथ लेना, तो आप जो है इस चीज़ को लोगों को बताते हैं और बाकी लोग भी इस चीज़ को कहते हैं कि देखो इसने जो है मैथ ले ली और देखो कितना सक्सेसफुल है, आपको भी मैथ ही लेनी चाहिए। लेकिन बाई चांस आपने मैथ ली और आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, आप मार्क्स अच्छे गेन नहीं करते हैं, खराब पोजीशन होती है, तो फिर यही जो आपका डिसीजन था आपके लिए गलत होगा, रॉन्ग होगा। बाकी सारे लोग जो देखेंगे वो ये कहेंगे देखिए इसने मैथ लिया था इसलिए मैथ इसके लिए ठीक नहीं था, फिर भी इसने लिया और जो है इसमें उसने मार्क्स अच्छे नहीं पाए और वो भी हमारी तरह ही है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो है ये पोएट जो है यहाँ पर ये बताना चाहता है कि उसने जो रास्ता चूज़ किया है, उसने जो रोड को चूज़ किया है, वो ही उसकी लाइफ के डिफरेंसेस को बाकी लोगों से बता पाएगा। आई होप कि आपको ये जो है पोएट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके बाय।